बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले नए साल की शुरुआत हो चुकी है, एक तरह से कहा जाए तो, क्या कैसे वेलकम आप कर रहे हैं पहले ये बताइए। बहुत सारी प्रेयर्स जाएंगी उसमें, यू नो, एंड ये हमेशा हर साल ये प्रेयर रहती है दैट, एंड आई हैव सेड दैट अगेन एंड अगेन एंड आई विल कंटिन्यू सेइंग दैट हियर आल्सो, दैट एक ही डिज़ायर, एक ही इंटेंशन होता है नए साल को लेकर के, दैट आई कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ माय सेल्फ, यू नो, सो इट्स गोइंग टू बी द सेम दिस टाइम आल्सो, कि मैं ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ अपनी फैमिली को भी, अपने आप को, अपनी एग्जिस्टेंस को भी, और जो मेरी सेक्युलर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भी। चलिए, अगर साल 2016 की बात करें, क्या कुछ मतलब पाया, क्या खोया, कुछ ऐसे कर बात करना चाहें? कुछ भी नहीं खोया सर, पाया ही है। जहाँ जो सोशली जिस तरीके से यू नो पाया को माना जाता है, अगर वैसे नहीं तो एक्सपीरियंस पाया है। सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम थ्रू वट एवर एक्सपीरियंस आई ओनली गेन्ड दिस ईयर एज एवरी ईयर। सो चलिए 2017 है ना, अब अगर 16 में बात करें, बहुत सारे वेरिएशन आपके सीरियल में दिखे ना रवि के, बहुत सारे। जी जी जी। आप कितने मतलब आप कितने इस चीज़ लेकर बहुत खुश होंगे, एक ही साल में बहुत सारे अवतार? हाँ, जमाई एज अ होल, ऑल्सो जमाई राजा एज अ शो हैज़ गिवन मी मैनी अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर। तो किसी एक सुर में मैं 3-4 महीने से ज़्यादा नहीं अटका, थैंक्स टू द स्क्रिप्ट ऑफ द शो। सो वो चेंज होता रहा किरदार जो है, कोई यू नो, कभी हरियाणवी तो कभी सरदार, तो कभी यूपी, तो कभी औरत, तो कभी कुछ, तो कभी महाराष्ट्रियन, तो कभी सत्या सावन, कभी सिद्धार्थ खुराना। सो देर बीन अराउंड 17-18 गेटअप्स दैट आई हैड इन जमाई, और उसमें से मेरे ख्याल 7-8 तो इसी एक साल में थे। आई थिंक दिस इज रिकॉर्ड। या इट्स काइंड ऑफ इन अ वे, यू नो, सो मेनी कैरेक्टर्स इन वन शो, सो इन अ वे दिस कुड ओनली हैपन बिकॉज जमाई हैपेंड। सो so it's always a great experience, and I think for any creative person, particularly actors, एक monotony, एक mundane atmosphere hit कर जाता है अगर एक ही चीज़ हम बार बार करते रहते हैं। तो जब भी कुछ भी अलग होता है उससे, out of the normal, you get to experience how film actors experience, because they are able to do new characters every 3 or 4 months. So जब ऐसा होता है कि same show के अंदर भी आपको एक breather मिलता है कुछ और करने का, तो you can also re-explore yourself, reinvent yourself, do your homework again, so it's always exciting. 2017 की शुरुआत हो चुकी है, ऑडियंस आपके कुछ और अवतार या कुछ, क्या आप कहना चाहेंगे पहले बताइए? यही कहना चाहूँगा कि अभी बहुत कुछ आने वाला है इस साल में, एंड मी एंड सरगुना आर गोइंग टू गेट सम गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल, वैसा वाला गुड न्यूज़ नहीं, प्रोफेशनल गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं। सो यू गाइस शुड जस्ट कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड कीप सेंडिंग अस ऑल द पावर, लाइट, ग्रेस, प्रेयर्स, यू नो, वी आर मेड ऑफ दैट। गुड न्यूज़ की बात करें तो ये भी तो जानना चाहेंगे आपके फैंस की, सच में गुड न्यूज़ कब उनको? अभी वक्त है, काफ़ी वक्त है अभी, ये प्रायोरिटीज़ दूसरी हैं, एंड आई नीड टू रिस्पेक्ट दोज प्रायोरिटीज़, एंड बोथ ऑफ अस आर गिविंग टाइम एंड इन्वेस्टमेंट इन टू वेरियस एरियाज ऑफ आर लाइफ, तो उसमें वक्त है अभी थोड़ा। चलिए, अपने ऑडियंस से भी बता दीजिए कि नए साल दम की शुरुआत अच्छे से करें जो आपके फैंस हैं। तो नया साल बस आ ही गया, और आई थिंक जस्ट अनदर 2 or 3 days, बेहतर बनिए, अपने आप को अच्छे तरीके से व्यक्त कीजिए। आई थिंक यू नो, बी योर सेल्फ, एंड वो बीइंग योर सेल्फ बहुत ही क्लीशे स्टेटमेंट है, लेकिन मैं आई विल इनकरेज यू टू बी योर सेल्फ इन द ट्रूएस्ट सेंस, जैसा महसूस कर रहे हैं, जिसके लिए महसूस कर रहे हैं, जाइए, बोलिए, एक्सप्रेस करिए खुद को, घबराइए मत, एक फसाद के पीछे मत रहिए। ऑल द बेस्ट, वेयर योर इमोशंस ऑन योर स्लीव, लिव लाइक अ लायन। सो लास्ट क्वेश्चन, अभी जो इस साल का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी रहा ना, नोटबंदी का, आपकी लाइफ पर भी असर पड़ा है या आने वाले साल में इसका कुछ आपको लगता है कि कुछ होगा? ये मेरे ख्याल से इस साल का हाई पॉइंट है। द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इन द ईयर इज द डीमोनेटाइजेशन। तो मेरे ख्याल वी हैव टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ फार साइटेडनेस फॉर दिस। अगर हम शॉर्ट साइटेड रहेंगे तो हमें इसके नुकसान ही दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम एक बड़े पर्सपेक्टिव से, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे, एंड वी विल थिंक दैट इन सून, इफ नॉट इन द नेक्स्ट 3 months, देन इन द नेक्स्ट 6 months और 1 year or 2 years, वी विल बी एबल टू सी अ बेटर एजुकेशन सिस्टम, वी विल बी एबल टू सी द पावर ऑफ द रुपी राइजिंग एज कम्पेयर टू वेरियस अदर करेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड। वी कैन सी आर सेल्व गेटिंग कैशलेस विद टाइम, एंड मोस्ट पोटेंट एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर कैशलेस, और एटलीस्ट आर एडवांसिंग टूवर्ड्स बींग कैशलेस, सो मेनी इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड जब हम देखेंगे कि यू नो, हर किसी के बेनिफिट्स और राइट्स और ज़्यादा पुख्ता और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं आने वाले वक्त में, देन वील थैंक आर स्टार्स, वील रियली थैंक दिस मोमेंट दैट केम इन टू आर लाइव्स, एंड वी विल थैंक दिस मास्टर स्ट्रोक दैट हैज़ बीन टेकन। तो आई ऑलवेज हैव बीन इन सपोर्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, एंड आई विल कंटिन्यू टू बी इन सपोर्ट ऑफ दिस मोमेंट। और हमारे लिए भी आसान हो गया है, जो वॉलेट्स पहले
कैश भर भर के ख़राब हो जाया करते थे, अब उनमें सिर्फ एक कार्ड रहता है और बहुत चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं. यू डोंट नीड यू नो यू डोंट नीड कैश टू सर्वाइव आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. अब देखिए वो जैसा मोदी जी ने भी कहा था, वो 50 दिन का एक वक्त मांगा था, उस वक्त में काफ़ी कुछ अचीव हो चुका है. इफ़ यू सी नाउ नाउ अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट. पहले बहुत लोग एट द पीक ऑफ देयर वॉइसेस बोल रहे थे कि क्या लाइनें लगी हुई हैं और इतनी तकलीफें झेली जा रही हैं, बट अब कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि अब आपको ATMs के बाहर कोई लाइन नहीं दिखाई देगी. ज़्यादातर लोगों के पास अब अकाउंट्स हैं, जिनके पास नहीं है वो कम पैसे निकाल रहे हैं ATMs के अंदर से, यू नो. सो मोर कैश करेंसी इन योर इकोनॉमी मीन्स दैट देर इज़ मोर प्रोबेबिलिटी फॉर पीपल टू अब्यूज़ इट. सो मैंने काफ़ी कुछ सुना है, हो सकता है मैं मिस इन्फॉर्म्ड हूँ, हो सकता है मुझे थोड़ा कम पता हो, दैट आई बिलीव द स्टोन पेल्टिंग इन कश्मीर हैज़ नॉट हैपेंड फॉर सम टाइम नाउ. अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स विच हैपन ऑन अकाउंट ऑफ सिंपली कैश बींग अवेलेबल विल नॉट हैपन और विल हैपन इन लेसर फ्रीक्वेंसी. इट्स अ वेरी वेरी बिग मूव. और जब कोई बड़ी चीज़ होती है ना तो थोड़ी बहुत तकलीफ हर किसी को उठानी पड़ती है, हम भी उठा रहे हैं, लेकिन आई थिंक वी शुड लुक एट द बिगर पिक्चर, वी शुड लुक एट द कंट्री एडवांसिंग. से साल में सब अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, क्यों नहीं होगा. मतलब हम लोग एक सही इंटेंशन के साथ सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ मैं बट जितने भी जिन भी लोगों को मैं देख रहा हूँ, दे ऑल वॉन्ट गुड फॉर देम सेल्स एंड दे वॉन्ट गुड फॉर देयर पेरेंट्स एंड अदर पीपल. सो देयर इज ओनली गुड थिंग्स दैट विल कम इनटू देयर लाइफ, देयर इज नथिंग एल्स. एक विश करिए जूम के ऑडियंस, जूम के सभी दर्शकों को मेरे और सरगुन की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. डू गुड थिंग्स, बी गुड एंड हैव गुड थिंग्स कमिंग टू योर लाइफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.